चलिए अब बात करेंगे ग्रेटर नगर निगम महापौर उपचुनाव की। तो इसको लेकर के लगातार हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके की तैयारियां मतदान केंद्र पर की गई है, बाड़ेबंदी में कितनी हलचल है, हर एक अपडेट हमने आप तक पहुंचाई। तो वहीं अब इसी को लेकर खास डिस्कशन के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद है। कांग्रेस पार्टी से पंकज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो वहीं मुकेश पारिक जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत। तो वहीं विषय विशेषज्ञ जगरूप यादव जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। जगरूप जी, चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ करते हुए, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों को आप देखते हुए आ रहे हैं, इस विषय पर भी आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, किस तरीके से आप देख रहे हैं आज के उपचुनाव को? उपचुनाव तो देखिए एक ये प्रक्रिया है जो निर्वाचन प्रक्रिया के तहत डिस्क्वालीफाई जो हुए उनमें से कुछ पार्षद हुए तो उनके तो वार्ड से मेयर का चुनाव जैसा कि व्यवस्था है पार्षदों के द्वारा किया जाता है, जिला कलेक्टर निर्वाचन अधिकारी या इसके लिए नामित किया गया कोई निर्वाचन अधिकारी ये उपचुनाव कंडक्ट कराता है, उनकी ओर से नामित कोई भी एडीएम या खुद स्वयं भी करा सकते हैं। तो ये एक प्रक्रिया के तहत ये कार्य हो रहा है, क्योंकि जो पूर्व में महापौर महोदया थी उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाँच करा के, और उस वो विभिन्न न्यायिक न्यायालयों ने उनको कोई अनुतोष नहीं मिला, तो इसकी तार्किक परिणति ये थी कि उपचुनाव असंभावी हो गया तो उपचुनाव करवाया जा रहा है। बिल्कुल, और ऐसे में मुकेश पारिक जी आपसे समझना चाहेंगे, देखिए खुश तो बहुत होंगे आप क्योंकि मैजिक नंबर आपके पास है, पर ऐसे में क्या लग रहा है कि जो हलचल तेज है, सभी विधायक वहां पर पहुंच गए कल शाम को भी, तो ऐसे में वो मैजिक नंबर पाना इतना आसान रहेगा वोटिंग के वक्त भी? निश्चित रूप से बिल्कुल आसान है। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की गिनती जो प्रारंभ होगी वो 85 के बाद होगी, और आपने देखा होगा कल ही एक जो इनके समर्थक निर्दलीय थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उन्होंने अपना बहुमत दिया है। ये तो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा एक प्रकार का एक हवा बनाया गया, उसमें किसी भी प्रकार की इनको सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं थी, ये जानते हुए भी उन्होंने एक सिर्फ और सिर्फ एक माहौल बनाने का प्रयास किया जिसमें पूरी तरह वो असफल रहे, और परिणाम आने के बाद ये और स्पष्ट हो जाएगा कि वो जो उनके पार्षद हैं उनको कितना वो सुरक्षित रख पाते हैं अभी ये है, लेकिन जो उनके निर्दलीय जो उनको समर्थन दे रहे थे वो अभी भारतीय जनता पार्टी की ओर उनका पूरा रुझान है। यानी कि उम्मीद है बीजेपी को कि जितने नंबर बाड़ेबंदी में उससे ज्यादा नंबर वोटिंग में आएंगे। निश्चित रूप से। चलिए मुकेश जी, इसको लेकर पंकज जी से भी बात करेंगे, पर उससे पहले एक बार मुहाना की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि वहां से जो पार्षद है वो निकल करके अब वोटिंग के लिए आगे बढ़ने वाले हैं, बाड़ेबंदी से अब वो बाहर आने वाले हैं, तो वहां से सीधी तस्वीरें विकास हमारे सहयोगी हम तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, देखिए आईसी मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ किस तरह से पार्षद जो है यहाँ पर मोहना स्थित जो बाड़ाबंदी है वहाँ से रवाना हो गए हैं। यहाँ से सभी पार्षद जो है वो बस में बैठना शुरू हो गए, बस में बैठ करके ये सभी पार्षद यहाँ से सीधे नगर निगम मुख्यालय जाएंगे। जो पार्षद हैं उनकी सभी की सिटिंग व्यवस्था जो है वो पूरी तय की गई है किस सीट पर कौन पार्षद बैठेंगे, और आप देख सकते हैं सारे पार्षद जो है वो नंबर से सभी लोग अपनी सीट पर बैठ गए हैं, और उनके चेहरे पर एक उत्साह है इस बात को लेकर के कि वो अपना पूरा परिवार जो है उसको एक जगह रखने में कामयाब रहे। अब उनका दूसरा जो मिशन है कि उनका सामने जो भाजपा के पार्षद हैं साथ में और जो निर्दलीय पार्षद हैं उनमें वो कितनी सहनमारी कर पाते हैं, कितना समर्थन ले पाते हैं। कुछ ही देर में पार्षद जो है यहाँ से रवाना होंगे, कुछ पार्षद हैं उनसे बात करने का प्रयास भी करते हैं, करण शर्मा है उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। करण जी, क्या उम्मीद लग रही है आज की, जो जोश लग रहा है, जो परिवार को एक जगह रखने की बात कही है? देखिए कि आज सुबह हम गणेश जी महाराज का आशीर्वाद लेके निकले हैं, और मैं मानता हूँ कि बीजेपी के पार्षदों ने कल वीडियो जो वायरल हुआ था वो देख लिया होगा, और वो अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर ऐसी भ्रष्टाचार में जो लिप्त है बैठने से पहले कुर्सी पर, उन पार्षद वो पार्षद ऐसे मेयर को ना चुनकर कांग्रेस के पार्षद को, कांग्रेस के मेयर को चुने, हेमा सिंघानिया जी को चुने, कड़ी से कड़ी जोड़े और विकास में भागीदार बने और जयपुर का विकास कराए। देखिए बिल्कुल, पार्षद जो है सब लोग बस में बैठ चुके हैं, कुछ ही देर में यहाँ से रवाना हो जाएंगे, और रवाना होकर के यहाँ सीधे नगर निगम मुख्यालय जाएंगे। मैं आपको अपडेट कर दूं, पार्षदों की पूरी वोट पोल जो किया जाएगा उसकी पूरी प्रैक्टिस की गई है, क्योंकि कोई क्रॉस वोट नहीं हो, कोई वोट रिजेक्ट नहीं हो, उसके लिए तमाम तैयारियां जो की गई। यहाँ पे मॉक पोल किया गया था, मॉक पोल के अंदर जो महिला पार्षद है उनसे सबसे पोलिंग कराई गई है, पोलिंग करा के उनको बताया गया है किस तरह से उनको मतदान करना है। कुछ महिला पार्षद उनसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? सन्नू चौधरी। क्या लग रहा है आप लोगों को? ये लग रहा है कि हेमा सिंघानिया ही जीतेगी, क्योंकि बीजेपी की पूर्व पार्षद थी जो सौम्या गुर्जर, उन्होंने कोई काम नहीं करवाया, तो बीजेपी का भी हमें समर्थन है, बाकी निर्दलियों का भी हमें समर्थन है। तो कितने पार्षदों को तोड़ पाएंगे आप लोग? ज्यादा से ज्यादा वह कह नहीं सकते हम संख्या में, तो
और भी पार्षद उनसे बात करते हैं, कितने पार्षद तोड़ पाएंगे, क्या तैयारी लग रही है, चेहरे का मुस्कान तो नजर आ रही है कि जीत क्यों जा रहे हैं। आप शाम को देखिएगा ब्रेकिंग न्यूज में, आप ही बताएंगे कितने पार्षद तोड़े हमने, लग जाएगा पूरा आंकड़ा 100%। देखिए कॉन्फिडेंट है यहाँ से सभी पार्षद, कॉन्फिडेंट है कि अपना आंकड़ा, देखिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, हालांकि जो मैजिक नंबर है वो उनके पास नहीं है। पंकज जी, ये कॉन्फिडेंस क्या कहता है? देखिए चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसमें किसी भी विपक्षी पार्टी के पास अगर बहुमत नहीं भी है तो उसे एक संवैधानिक अधिकार है कि वो चुनाव में उतरे और अपना पार्टिसिपेशन, भागीदारी निभाए। चूंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और हम लगातार विकास के कार्य कर रहे हैं, तो जयपुर ग्रेटर नगर निगम जो है उसके जो पूर्व महापौर रहे हैं वो लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त, उनके वीडियोस भी आए हैं, उससे पहले भी भ्रष्टाचार के उनके ऊपर आरोप भी लगे हैं, आरएसएस के पदाधिकारी भी भ्रष्टाचार के रूप में पाड़े गए हैं। तो हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके से पार्षद अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने, अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है उसे कड़ी से कड़ी मिलाए, जयपुर में ग्रेटर नगर निगम में कांग्रेस का महापौर बनाए, जिससे एक विकास जो स्वच्छ जयपुर, स्वच्छ स्वस्थ जयपुर बन पाए। यानी कि पंकज जी ने सीधे सीधे आरोप मुकेश जी आपकी ओर लगा दिया है कि भ्रष्टाचार ही आप लोगों के द्वारा की जाती है। देखिए कांग्रेस और अगर भ्रष्टाचार की बात करती है तो बड़ा हास्यास्पद लगता है, जब से कांग्रेस की 4 साल में सरकार बनी है इन्हीं के विधायक, इन्हीं के मंत्री आपस में एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। तो इसके लिए तो मुझे बहुत अधिक नहीं कहना, लेकिन एक बात यहाँ बहुत समझने की है कि जब से जयपुर नगर निगम का गठन हुआ कांग्रेस को उसमें कभी सफलता नहीं मिली। एक बार जब सीधे चुनाव हुए मेयर के, तो भी मेयर भले ही कांग्रेस का बना हो लेकिन बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला था पार्षदों का। अब उसके बाद जब कांग्रेस ने देखा कि इनको बहुमत मिलना असंभव है, तो इन्होंने अपना जो वोट बैंक आधारित जो इनकी राजनीति है जिसमें कुछ समुदाय विशेष के वोटों पर ही आधारित है, तो उन्होंने उस आधार पर वार्डों का पुनर्सीमांकन किया और उसका ये आधार बनाया कि जयपुर में, जोधपुर में और कोटा में इन्होंने 3-3 निगम बनाए जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आप देखिए उसमें सरकार पूरी तरह फेल्योर रही। आज भी कई अधिकारी ऐसे हैं कि जो दोनों निगम जो बने हैं उनका कार्य एक ही अधिकारी देख रहे हैं। सवाल आपका परिसीमन से जुड़ा हुआ है कि परिसीमन इस तरीके से किया गया कि कांग्रेस का वार्ड वहां पे बन जाए। कांग्रेस की नीति और नियत प्रारंभ से ही उसमें खोट रहा और बहुत कम मार्जिन से वो जयपुर का जो इन्होंने जिस प्रकार से गठन किया था वो हेरिटेज का जीत पाए। वहां की आप इनकी स्थिति देख लीजिए, चोमू पैलेस होटल से वो हमारे साथ बनी हुई डिंपल, क्या तस्वीरें, पार्षद वहां से निकलना शुरू हो चुके हैं, क्या अपडेट इसको लेकर? जी बिल्कुल आयुषी, देखिए यहाँ से पार्षद निकलना शुरू हो चुके हैं और जैसे ही इंतजार था इस चीज़ का ही, और अपने अपने लगेज के साथ सभी पार्षद बाहर आ रहे हैं और 10 बजे से चुनाव जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। और यहाँ पे पार्षद, हालांकि कोई भी पार्षद बात नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे बाहर आना शुरू हुए थे विक्ट्री साइन यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो ये माना जा सकता है कि जहाँ आश्वस्त भाजपा अपनी जीत को लेकर है, क्योंकि लगातार जो संख्या बल है वो ज़्यादा है और एक तरह से कांग्रेस है जो हावी दिख रही है भाजपा पे कहीं ना कहीं, जो माफ़ कीजिएगा जो भाजपा है वो संख्या बल के तौर पर कांग्रेस पर हावी दिख रही है, क्योंकि जो आंकड़ा है वो ज़्यादा है भाजपा के पास। और यहाँ पार्षद करीब 85 पार्षदों का यहाँ दावा किया जा रहा है। वही जानकारी ये भी सामने आ रही है कि 4 और पार्षद का समर्थन यहाँ मिल रहा है, 4 और पार्षद यहाँ पे साथ हो गए हैं, तो ऐसे कहा जा सकता है कि 89 पार्षद पूरे यहाँ पर होते हुए, और जैसे चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी मतदान केंद्र पहुंचेंगे सभी पार्षद एक एक करके, जो बस है इसी बस में बैठकर यहां से रवाना होंगे और जाकर वहां पर अपने मतदान केंद्र पर मतदान देंगे। और करीब एक से जैसे ही चुनाव प्रक्रिया खत्म होगी 2 बजे के लगभग, उसके बाद से ही जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी और करीब 1 से 1.5 घंटे में, क्योंकि वोटों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, 150 वोट है जिसमें से 74 वोटों के साथ, जिसके साथ होंगे 74 वोट वो पार्षद, वो जो शहरी सरकार है उसका किंग बन जाएगा, जयपुर ग्रेटर उसके कब्जे में होगी। तो एक ये कहा जा सकता है कि दोनों ही पार्टी अपने अपने आश्वस्त विश्वास के साथ कर रही हैं, क्योंकि एक तरह से जहां कांग्रेस अपना संख्या बल जुटाने का प्रयास कर रही है तो वहीं भाजपा पूरी तरह से आश्वस्त है। इससे पहले भी जब विधायक रामलाल शर्मा से हमारी बात हुई थी तब उन्होंने कहा था कि पूरी तरह से जीत को लेकर आश्वस्त हैं और जो तैयारियां हैं वो पूरी है और कहीं भी कोई क्रॉस वोटिंग का डर पहले सता रहा था, क्योंकि पिछले दो दिन पहले तक भी जब 10 पार्षद नहीं पहुंचे थे बाड़ाबंदी में भी, लगातार जो बाड़ाबंदी की जा रही थी क्योंकि डर था क्रॉस वोटिंग का भी, 10 पार्षदों के नहीं पहुंचने पर कहीं ना कहीं वो डर लगातार चल रहा था, जारी था, लेकिन जब वो पार्षद पहुंच गए तो वो डर एक कहीं कह सकते
सकते हैं कि वो खत्म हो गया और लगभग जो बीजेपी से प्रत्याशी है रश्मि सैनी उनकी जीत यहाँ लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन आंकड़े और जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं हो सकता है कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग। 2019 में भी ऐसा ही मामला सामने आया था जब एक तरह से सिटी सरकार पर कब्जा कर लिया था कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग के जरिए, तो ऐसे में बीजेपी को लगातार निगरानी भी रखने की जरूरत है। पार्षदों से ये भी पूछ लीजिए कि जो चेहरे पर मुस्कुराहट है वो ये बयां कर रही है कि जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं या फिर ये कि अब बाड़ेबंदी से फ्री हो गए। देखिए बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे पार्षदों से हमने पहले भी बात करने की कोशिश की लेकिन चुनाव प्रक्रिया से पहले अभी कोई भी बात करने को तैयार नहीं है और ये कहा जा सकता है कि, और जहाँ पे विधायक रामलाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं इनसे पूछा जाएंगे कि कैसी सर कैसी अभी तक तैयारी और जो संख्या बल क्या है सकते हैं कि जो आखिरी आंकड़ा है विश्वास आंकड़ा वो क्या है अभी भाजपा। देखिए मैं पहले भी कह चुका कि हम पूरे बहुमत के साथ हैं, 93 पार्षद हमारे साथ हैं, 2 बसों से हम इनको रवाना कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि 100 से अबव जाके और हम मेयर बनाएंगे। कांग्रेस कितना ही षड्यंत्र रचने का काम करे, कांग्रेस के नेता कितना ही प्रयास करे, चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करने की कोशिश करें, लेकिन हमारे पार्षदों के ऊपर पूरा विश्वास है, पूरे पार्षद एकजुट है और सारे पार्षदों ने एक संकल्प लेके और बीजेपी का मेयर बनाने का इस संकल्प के साथ वो बाहर निकले, 101% हम मेयर बनाएंगे। तो बिल्कुल आपने सुना, ये थे विधायक रामलाल शर्मा जिन्होंने कहा कि जो पूरी तैयारियां हैं और जो पूरा आश्वासन है बीजेपी का वो है कि जो मेयर बनेगा जयपुर ग्रेटर का वो भाजपा से ही बनेगा और वाकई संख्या बल भी ज़्यादा है कांग्रेस के लिए, बड़ा आंकड़ा 20 से 22 जो पार्षद है उनका आंकड़ा पार पाना बड़ा मुश्किल है कांग्रेस के लिए, उस अंतर को ख़त्म करना, क्योंकि अभी कांग्रेस भी पूरी कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग से किसी तरीके से कब्जा किया जाए सिटी सरकार पर, लेकिन अभी तक भी वो जो तस्वीरें हैं वो साफ भाजपा की जीत की ओर ही। बिल्कुल, देखिए चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें दोनों की ओर से यही कहा जा रहा है कि हम सैन दूसरे खेमे में लगाएंगे और यही वजह कि जो आंकड़ा बोल रहे हैं कि हम इतने नंबर पा लेंगे वोट्स के अंदर तो वो इसी प्रमुख वजह की वजह से बोल पा रहे हैं। जगरूप यादव जी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि देखिए वर्तमान समय में हम देखें चाहे कोई से भी स्तर का चुनाव हो बाड़ेबंदी बहुत आम बात हो गई है, कोई बड़ी बात नहीं रही है, ऐसा लगता है कि जब चुनाव इस तरीके के होंगे तो बाड़ेबंदी तो निश्चित तौर पर होनी ही होनी है, तो वही दूसरे खेमे में सैन की बात हर कोई कर रहा है। आयुषी देखिए इसको समझना पड़ेगा क्योंकि राजनीति में शुचिता शुभ्रता नैतिकता ये मानदंड सने सने जो भारतीय लोकतंत्र में ये क्षीण होते जा रहे हैं, न केवल स्थानीय सरकारें राज्य स्तर पे केंद्र स्तर पे भी इस तरह की कई बार एडजस्टमेंट। बिल्कुल जगरूप जी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, एक बार चमू से हम लोगों ने तस्वीर दिखाई, एक बार मुहाना की तस्वीरों का भी रुख कर लेते हैं, वहां से वो पार्षद रवाना और एक बार वो तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा देते हैं, आपकी बात हम पूरी यहां पर सुनेंगे, उससे पहले ये तस्वीरें एक बार दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त मुहाना से इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर एक बस है जिसके माध्यम से ये पार्षद पहुंचेंगे मतदान करने के लिए, बस रवाना हो चुकी है, ये तस्वीरें जरा आप देखिए, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, कई गाड़ियां भी हैं, कई दिग्गज भी यहां पर कांग्रेस पार्टी के पहुंचे हैं जिनके कंधों पर ये पूरी कमान थी कि पार्षदों को एकजुट रखा जाए। जगरूप जी अपनी बात भी आप पूरी कीजिए और साथ ही जिस चर्चा को हम आगे लेकर जा रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल इसी बात को लेकर उठ जाते हैं, क्या रीति नीति का कोई असर अब नहीं रहा है किसी भी स्तर पर। जी मैं यही निवेदन कर रहा था आयुष जी के दर्शकों की जानकारी के लिए कि जो राष्ट्रीय स्तर पे और प्रांतीय स्तरों पे सरकार बनती उनमें भी इस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं या संख्या बल को अचीव करने के लिए रोकना चाहूंगी, माफी के साथ पुनीत कर्णावत कुछ कह रहे हैं, एक बार वो सुना करता है, इसलिए उनकी समझ है कि भारतीय जनता पार्टी जो विकास के लिए प्रतिबद्ध पार्टी है उसका समर्थन करें, उनके साथ आए और जयपुर की जनता ने उनको भी आशीर्वाद देकर इस निगम परिसर में भेजा है, उनकी भी जिम्मेदारी है, इसलिए वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर विकास में सहयोगी बनना चाहते हैं, विकास के लिए अपने जो उनको मैंडेट मिला है उसको निभाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कांग्रेस के बहुत बड़ी संख्या में पार्षद हमारे साथ आ रहे हैं। प्रत्याशी चयन के बाद असंतोष नहीं होता है, आप लोगों ने तो बहुत सालों से आप कवर कर रहे हैं, सब लोगों की अपनी अपनी इच्छा होती है अपेक्षा होती है, नहीं होने पर एक बार थोड़ा बहुत मन ऐसा होता है, लेकिन चूँकि आप एक ऐसी प्रतिबद्ध पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं जहाँ सब लोग आपको संभाल लेते हैं, तो मैं समझता हूँ किसी में अब किसी प्रकार का कोई असंतोष नहीं है, एक उत्साह है, 2 साल जो हमारे ख़राब किए कांग्रेस ने उसका करारा जवाब देने की एक इच्छा मन में है, जयपुर की जनता की सेवा करने की इच्छा मन में है और आने वाले 2023 के चुनाव में जयपुर की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराए, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और ये निगम एक महत्वपूर्ण भूमिका बनाए अपनी निर्वहन करे वो उनके मन में। एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है जो सभी के
अब तो उसमें पहुंच चुका है फोन में। कल एक टीवी चैनल के ऊपर था, अच्छी बात या बुरी बात यह थी कि टीवी चैनल वाले कह रहे थे कि हम इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं तो दिखा क्यों रहे हैं? दो आदमी तीन आदमी खड़े हुए बात कर रहे हैं, किसी की माताजी बीमार हैं, दो आदमी गए वो अपना किस्सा कहानी सुना रहे हैं, खुद ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, खुद ही उसको भेज रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि उस पूरे वीडियो में कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसके बारे में किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत है। क्रॉस वोटिंग भारतीय जनता पार्टी में तो होगी नहीं दोस्त, और कांग्रेस वाले रोक नहीं पाएंगे, ये दोनों बातें सच है। देखो बाराबंकी में जो होता है वो होता नहीं है, बाराबंकी में 2019 में भी हुई थी लेकिन क्रॉस वोटिंग नहीं थी। मैंने आपको पहले भी कहा था दोस्त, भारतीय जनता पार्टी अपनी हर एक्टिविटी से सीखती है, जो भी घटना घटती है उससे हम सीखते हैं, जो कुछ अच्छा होता है उसको रिटेन करते हैं, उसको और बेहतर करने की कोशिश करते हैं, जहां हमसे कोई कमी रह जाती है, कोई चूक रह जाती है, कोई असावधानी होती है, उसको भविष्य में नहीं हो इसके लिए एक व्यवस्था करते हैं। शीलता भाई जी आएंगे, मेरी अभी बात हुई है, उन्होंने मुझे कहा है कि मैंने ऐसा कोई इंटरव्यू किसी पत्रकार को नहीं दिया। हाँ, बाराबंकी में हमारी बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, हम सब उनका। तो पुनीत कर्णावट को आप सुन रहे थे, कॉन्फिडेंट वो नजर आ रहे थे। तो वहीं ये दूसरी और तस्वीर जरा देखिए, जहां एक और आपने डेप्यूटी मेयर के बयान सुने जो बहुत ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहे थे अपनी जीत को लेकर, तो वहीं ये जोश जरा आप देखिए, पार्षदों का जोश अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जगरूप यादव जी देखिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए, दो बार मैंने आपको रोका पर उसके बाद आप पूरी बात तफसील से आपसे सुनना चाहिए। आयुषी जी, मैं यही कह रहा था कि ये राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सरकारों पे भी इस तरह की बाड़ाबंदी, धड़ेबंदी और हॉर्स ट्रेडिंग के प्रकरण यदा कदा देखने को मिलते हैं, लेकिन उसमें और स्थानीय निकाय के चुनाव में एक बुनियादी अंतर है। स्थानीय निकाय के चुनाव जो लड़े जाते हैं तो उन पर पहली बात तो दल बदल विधेयक है वो लागू नहीं होता, तो वो निर्योग्यता जो मिलती है, जैसे लोकसभा के सदस्य को या राज्यसभा विधानसभा के सदस्यों को अगर वो क्रॉस वोटिंग पार्टी लाइन से अलग जाके करते हैं या पार्टी की रीति नीति की खुली आलोचना करते हैं तो उन पर विप जैसी व्यवस्था लागू होती है। तो यहाँ स्थानीय निकायों में यद्यपि दलीय आधार पर लड़े जाते हैं, दलीय पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में नहीं लड़ते, लेकिन शायद नगरीय निकायों में दलीय आधार पर चुनाव लड़ते हैं, पीआरआईज में नहीं है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में गैर दलीय है। तो इसमें मैं समझता हूँ दलीय आधार पर लड़ते हैं तो ये जो जब भी दलीय आधार पर चुनाव हों तो ऐसी व्यवस्था अगर आयद की जाए, लागू की जाए कि विप जैसी या दलीय जो विचारधारा है उससे इतर अगर कोई वोटिंग करता है तो उसको निर्योग्य माना जाएगा, तो शायद ये नहीं हो। लेकिन चूंकि पहले भी हमने देखा कि जयपुर में एक मेयर को हटा के और दूसरे आदमी इस तरह की क्रॉस वोटिंग से बन गए थे, तो ये स्थानीय लोगों पे स्थानीय आकांक्षाएँ रहती हैं, उनकी कुंठाएँ भी रहती हैं, तो ये अमूमन होता रहता है। बिल्कुल, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, अदावतें, बगावतें, इस तरीके के दौर हमें देखने को मिलते हैं, और यही वजह कि अब वर्तमान समय में बाड़ेबंदी जो है कुछ नया सा नहीं रहेगा, एक ट्रेंड सा बन गया कि इस तरीके के चुनाव होंगे तो बाड़ेबंदी भी होंगे। मुकेश पारिक जी, मेरा सवाल अब आपसे है, क्योंकि अब थोड़ा सा विषयांतर की ओर आपको लेकर जाना चाहूंगी कि हम देखते हैं कि बीजेपी के द्वारा राज्यों में मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं पर कोई शोर नहीं होता, किस तरीके का आराम से सब लोग आराम से पूरे से फैसले को एक्सेप्ट करते हैं, पर वहीं अगर हम बात करें जयपुर ग्रेटर की तो यहां पर हमने देखा कि जब नाम ही सामने आया उस दौरान ही कितना हंगामा बरपा, अलग अलग दल बन गए, अदावत और बगावत खुलकर सामने आने लगी। कि ऐसा कुछ नहीं है, जो एक मेयर का शील धाबाई जी के आंसू तो किसी से नहीं छुपे ना, मैं वही बता रहा हूँ, मेयर का एक पद होता है और योग्य तो जो पार्षद चुन के आया है, हम ये मानते हैं कि योग्य तो सभी है मेयर के लिए, उसमें से एक का चयन करना पड़ता है। अब जब एक का चयन करना पड़ता है तो बड़ा कठिन कार्य होता है, और उस कठिन कार्य में जब जिसके लिए भी निर्णय होता है उसके लिए सब एकमत होते हैं और उस एकमत होकर उसके पक्ष में सब लोगों का निर्णय होता है। तो अब निश्चित रूप से जो और भी दावेदार होते हैं, जिनकी इच्छा होती है, महत्वाकांक्षा होती है, वो लोग भी उसके दावेदार होते हैं, तो तात्कालिक थोड़ा सा उनको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक का सिलेक्शन करना पड़ता है, उसमें कई चीज़ें देखी जाती है और संगठन और पार्षदों की राय लेके, वरिष्ठ लोगों की राय लेके सब कुछ करना पड़ता है, तो ये कोई विशेष बात नहीं है, ये एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत ही रश्मि सैनी का सबसे राय करके और ये चयन हुआ है, और वो चयन एक सफल चयन है जो जिसके परिणाम आज आपको मिल जाएंगे। तो मुकेश जी, मान के चले शील धाबाई जी अब नाराज नहीं है?
नहीं, शीलता भाई एक उम्मीदवार के रूप में वो भी चाहती थी कि मेरा नाम आए, लेकिन ठीक है, संगठन ने जो तय किया वो पहले मेयर रह चुकी हैं पार्टी की ओर से, और अब रश्मि सैनी को मौका दिया गया है, तो ये कोई विशेष बात नहीं। देखेंगे इसको भी किस तरीके की तस्वीर इसको लेकर बनती है। वैसे भी सब यही चाहते हैं कि जो सत्ता पक्ष है उसी के साथ रहा जाए, तो ऐसे में हो सकता है कि इस बात का बेनिफिट मिले। इसको लेकर आपका कमेंट जरूर चाहूंगी, पर उससे पहले भारत दीक्षित का रुख कर लेते हैं, वो हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे सहयोगी। भारत, क्या कुछ अपडेट आपके पास फिलहाल? देखिए बिल्कुल आयुषी, आपको बता दूं कि दोनों दलों की जो बस हैं जो बाड़ेबंदी से कुछ ही देर में रवाना यहां पर हो चुकी हैं, और कुछ देर बाद ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय पहुंचेगी। उससे पहले कि आप बताऊं कि भाजपा की जो बाड़ेबंदी से जो बस रवाना होगी वो सबसे पहले भाजपा मुख्यालय पहुंचेगी, और आपने देखा भी कि जो पुरीत कर्णावत थे डिप्टी मेयर, वो निगम मुख्यालय यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और उन्होंने मीडिया से यहाँ पर बातचीत में कहा कि इस बार महापौर भाजपा का ही बनेगा, क्योंकि उसके पास पूर्ण बहुमत यहाँ पर है। और जिस प्रकार की क्रॉस वोटिंग की उन्होंने बात कही कि भाजपा के अंदर किसी प्रकार की कोई क्रॉस वोटिंग है वो यहाँ पर नहीं होगी। दोनों पार्टी जो दावे कर रही है, जो कांग्रेस यहाँ पर दावे कर रही है, वो 3 बजे बाद उनकी हकीकत है वो यहाँ पर पता चल जाएगी। इस वक्त आप तैयारी देख सकते हैं, हलचल यहाँ पर तेज हो चुकी है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि कुछ ही देर में जब पार्षदों की बस यहाँ पर पहुँचेगी तो 10 बजे से जो मतदान प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू होगी, और मतदान जैसे ही खत्म होगा उसके तुरंत बाद मतगणना यहाँ पर शुरू होगी। तो कुछ ही देर का वक्त है जब पार्षद यहाँ पर पहुँचेंगे, उसके बाद में मतदान जो प्रक्रिया है वो 10 बजे से यहाँ पर शुरू होगी। लगातार दोनों ही दल अपनी अपनी जीत के यहाँ पर दावे कर रहे हैं, लेकिन किसके दावे में हकीकत है और किसके दावे में मजबूत है, जो किसका दावा यहाँ पर मजबूत है, वो 3 बजे के बाद यहाँ पर पता लग जाएगा। देखिए बीजेपी के पास फिलहाल 85 पार्षद खुद के मौजूद हैं, इसके साथ साथ जो निर्दलीय जो पार्षद है जय वशिष्ठ के साथ साथ अन्य पार्षद हैं, तो कुल मिलाकर बीजेपी के पास 90 की तादाद में पार्षदों का बहुमत है, जैसा कि डिप्टी महापौर यहाँ पर बता रहे थे। भाई कांग्रेस अब सिर्फ भाजपा पार्षदों की आत्म सम्मान को लेकर जो बात यहाँ पर कह रही थी कि अपनी आत्मा की जो आवाज़ को लेकर भाजपा के पार्षद कांग्रेस को यहाँ पर वोट करेंगे, तो देखने वाली बात ये होगी कि भाजपा के पार्षदों की कितनी आत्मा यहाँ पर जागृत होती है वो कांग्रेस पार्टी। देखिए जब भी इस तरीके के चुनाव होते हैं तो सब यही कहते हैं भारत की, सब अपनी मन की आवाज को सुनेंगे, स्वाभिमान की आवाज को सुनेंगे और उसी आधार पर वोट करेंगे, और यही वजह है कि अब इंतजार उस तस्वीर का किया जा रहा है जो सभी के सामने निकलकर सामने आएगी। हालांकि ये भी एक अलग बात है कि बीजेपी के पास वो मैजिक नंबर मौजूद है, और कल एक निर्दलीय जो पार्षद है वो बीजेपी में शामिल भी हुए, इस वजह से कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा बीजेपी का बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। अब बने रहिए हमारे साथ, और भी अपडेट्स आपसे लेंगे, और भी जानकारी आपसे लेंगे, साथ ही जो खास पैनल हमारे साथ मौजूद है उससे भी इस बात को लेकर के चर्चा लगातार जारी है। पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ग्रेटर की मुखिया कौन, ये सवाल आज सबके मन में, और सवाल का जवाब भी जल्दी मिलने वाला है, क्योंकि चंद लम्हों का इंतजार और चंद पलों का इंतजार और इस वक्त जो दिल की धड़कने हैं वो सभी की बड़ी हुई होगी कि किस तरीके की तस्वीर यहाँ से सामने आएगी। पंकज जी, मेरा सवाल अब आप ही से, लगातार आप चर्चा में मौजूद भी है, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बाड़ेबंदी में आपने देरी कर दी, इस वजह से वो जो नंबर था वो आपसे छूट गया? हालांकि अभी भी आप दावे यही कर रहे हैं कि आप बहुमत के आंकड़े से ज्यादा नंबर पा लेंगे। देखिए कांग्रेस तो वो सरकार है, कांग्रेस का संगठन वो है जिसने सबसे पहले शहरी सरकारों को मजबूत करने का काम किया है। राजीव गांधी की सरकार में 74th अमेंडमेंट के तहत हम लोगों ने मजबूत करने का काम किया है, लेकिन जो बाड़ेबंदी की परिपाटी है वो बीजेपी लेके आया। आपने देखे कि कई प्रदेशों में लगातार बीजेपी ने MLAs को खरीद फरोख्त कर करके सरकारें गिराई हैं, ये पूरे देश ने देखा है। लगभग 200 से ज़्यादा MLAs पूरे 8 साल में खरीदे बेचे जा चुके हैं इनके भाषा में अगर उनको बोला जाए तो, और उन्होंने लगातार उनको सरकारों को गिराने का काम किया है। कांग्रेस की सरकार अभी राजस्थान प्रदेश में है, और कांग्रेस के सरकार हम ये चाहते हैं कि संगठन के रूप में कि ग्रेटर में जयपुर ग्रेटर नगर निगम में कांग्रेस का महापौर बने, तो एक कड़ी से कड़ी मिले और लगातार जो जयपुर को स्वच्छ सुंदर स्वस्थ बनाने का काम है वो हम लोग कर पाए, जयपुर को बेस्ट बनाने का काम कड़ी से कड़ी तो आप जोड़ने की बात करें, पर जोड़ेंगे कैसे यही तो सवाल है। हम मानते हैं कि हमारे पास अभी बहुमत नहीं है, लेकिन देखिए बीजेपी के लगभग 7 से 8 सालों का अभी कार्यकाल रहा है, पिछले 7 सालों में कार्यकाल रहा है, और उसमें आप देखेंगे कितने मेयर ये लोग बदल चुके हैं। आप निर्मल लाहटा जी को देख ले, विष्णु लाहटा जी को देख ले, उससे पहले अशोक लाहौटी जी, और इसी कार्यकाल में 2 साल में लगभग 4 बार रोटेशन में इनके 2 बार सीलधवा जी रह चुके हैं, 2 बार सोम्या गुर्जर जी रह चुके हैं, उसके अलावा भ्रष्टाचार के आरोप में चीज़ें हुई भी है, ये सब पूरे प्रदेश ने देखा है। तो जो एक एकरूपता एक स्थायित्व अगर कोई दे सकता है जयपुर ग्रेटर नगर निगम को, तो कांग्रेस का महापौर दे सकता है, और एक कड़ी से कड़ी मिलेगी तो में एक अच्छा विकास कड़ी से कड़ी तो मिला लेंगे, पर नंबर होगा तभी तो कड़ी मिल पाएगी। देखिए हम मानते हैं कि नंबर हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि जो पार्षद हैं
वो अगर अपने वार्ड का काम करवाना चाहेंगे, वार्ड में अच्छे तरीके से उसको प्रॉपर डेवलप करना चाहेंगे, तो वो प्रॉपर कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। क्योंकि आप देखिए, जो जयपुर में महापौर की प्रत्याशी हैं रश्मि सैनी जी, उनके खुद के वार्ड में 12 से 13 लोग उनके खिलाफ है, क्योंकि वो वहाँ पर विद्युत कमेटी की चेयरमैन होते हुए भी काम नहीं कर पा रही है, तो वो वहाँ पर होते हुए कैसे काम करेंगे। दूसरी बात, जो और वरिष्ठता के आधार पर कांग्रेस सरकार ने तो सीलधाबाई जी को महापौर नियुक्त किया, लेकिन इन्होंने जो सीलधाबाई जी के साथ नॉमिनेशन के दिन किया, वो बिल्कुल कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन था। किस तरीके से उनकी बेटी के साथ बर्ताव हुआ, किस तरीके से सीलधाबाई जी को बंद कर दिया गया, उनको नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दिया गया, ये पूरे प्रदेश ने देखा। तो इससे ये जो बीजेपी की रीति और नीति में जो फर्क है ना, वो पूरे प्रदेश ने देखा है। लेकिन हम यहाँ से, मैं आपके माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा पार्षदों को कि आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुने, जयपुर के डेवलपमेंट के लिए, जयपुर के विकास के लिए, जयपुर को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए आप आज कांग्रेस के महापौर को वोट दें, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनाएं और लगातार 4 साल तक स्थायित्व की शहरीकरण सरकार दें। बिल्कुल मुकेश जी, देखिए इन्होंने सीधा सीधा सवाल ही उठा दिया है कि जो आपने नाम सिलेक्ट किया है वो सही नहीं किया है। देखिए, अब ये तो भारतीय जनता पार्टी का जब मेयर बनेगा तो वो तो तय भारतीय जनता पार्टी करेगी कि कौन मेयर हो, वो तो कांग्रेस कर नहीं सकती। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है, हमारे मित्र बोल रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने परंपरा शुरू की, आप 49 पार्षद आपके पास हैं और आप कह रहे हैं हमारा बोर्ड बनेगा, तो आपका ऐसा क्या करेंगे आप, थोड़ा ये भी तो बताओ कि आप ऐसा क्या करोगे कि 49 पार्षद से आपको बहुमत मिल जाएगा, इतना बड़ा गैप और फिर आप ये दावा कर रहे हैं, ये साफ नजर आता है कि आप, ऐसा क्या करने आप वाले आप? मैंने जैसे पहले दोहराया, मतलब भारतीय जनता पार्टी कहीं बहुमत ले लेती है, जिस प्रकार से कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है और सरकारें बदल रही है, उसको तो ये कहते हैं कि वहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है, और ये 49 से आंकड़ा वहां पार करेंगे तो उसके लिए ये क्या करेंगे, थोड़ा एक तो ये स्पष्ट इनको करना चाहिए। देखिए, एक बात एक थोड़ा महत्वपूर्ण है, वो मैं खाली आपको बताना चाहूंगा। अभी इन्होंने कहा कि इनके यहाँ इतने मेयर बदले, ये हुआ वो हुआ। एक बार इनका मेयर बना था डायरेक्ट चुनाव में ज्योति खंडेलवाल, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और शांति धारीवाल जी ने, इनको याद है या नहीं है लेकिन जगरूप जी को याद होगा, शांति धारीवाल जी ने कहा था नगर निगम नहीं नरक निगम बन गया है, और वो इसलिए कहा था कि मेयर के भ्रष्टाचार से आहत होके। तो ये कौन सी बात करते हैं, क्या समझदारी? ऐसे बहुत से उदाहरण, आप चाहेंगे तो मैं 100 उदाहरण कांग्रेस के भ्रष्टाचार के दे सकता हूँ। तो इस प्रकार से कांग्रेस की नीति और नियत दोनों में खोट है, और उस खोट का परिणाम आज ये देख रहे हैं कि आप नगर निगम की बात कर रहे हैं, राजस्थान में नहीं पूरे देश में आज कांग्रेस की जो स्थिति बनी है इनकी नीति और नियत के कारण बनी है, इनके भ्रष्टाचारी छवि के कारण बनी है, इनके नेतृत्व के कारण बनी है। आज जिसके नेतृत्व पर ही भ्रष्टाचार हो, जिसका नेतृत्व ही बेल पर हो, जी अब तो जवाब दीजिए, क्या वजह की आपके नेतृत्व पर इतने सवाल उठ रहे हैं? देखिए, मैं इनकी बात का इस तरीके से जवाब देना चाहूंगा, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि बीजेपी में लगातार असंतोष है, पिछले 7 सालों में 7 से ज़्यादा मेयर चेंज होना, ये इनका असंतोष जताता है। और कांग्रेस में जब पहली बार डायरेक्ट चुनाव के थ्रू महापौर बने थे, तो सबसे ज़्यादा बोर्ड मीटिंग्स उन महापौर ने ज्योति खंडेलवाल जी ने की, और उस समय डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा हुआ, उसी का परिणाम था, उसी का परिणाम था कि जयपुर की जो रैंकिंग है उस पर बहुत ज़्यादा रैंकिंग सुधरी थी। और अब आप कह रहे हैं कि 2 से ज़्यादा हम लोगों ने जो नगर निगम है उनको डिवाइड किया, 2 नगर निगम बनाए, वो इसीलिए बनाए कि एक विकास वो ज़्यादा अच्छे से हो पाए, छोटे छोटे वार्ड वार्डों में अच्छे से काम कर पाए। लेकिन आप लोगों में कितना असंतोष है कि आप लोगों ने विकास के नाम पे अभी भी, आप जब महापौर चुनने जा रहे हैं, मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं मैम, जब अभी भी आप जब महापौर चुनने जा रहे हैं तो आप विकास के नाम पे वोट नहीं मांग रहे, आप दूसरे मुद्दों पे बात वोट मांग रहे हैं। तो हम तो बिल्कुल सीधी सी बात कर रहे हैं, हम तो विकास को स्वच्छ सुंदर बनाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का कि बीजेपी मुद्दों की बात नहीं कर रही है, कांग्रेस पार्टी मुद्दों की बात कर रही है, रीति नीति में नगर निगम 2 बना दिए, अधिकारी तो 2 लगाओ। अरे आपने नगर निगम 2 बना दिए, अधिकारी तो 2 लगाओ, नगर निगम में 2 निगम में 2 अधिकारी तो लगाओ, आपके एक एक अधिकारी 2 निगम चला रहे हैं, आप कैसी बात करते हैं, कोई तथ्य नहीं है, कोई कुछ आपके पास आधार नहीं है, नगर निगम 2 बना दिए कि एक हम उस आधार पर हम जनता वोट करने के आधार पर नगर निगम और भी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा चुनाव है और उपचुनाव जरूर है, पर इसको लिटमस टेस्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है, कई दिग्गजों की साख इसको लेकर के दांव पर है, इस पर महाकवरेज लगातार हमारी जारी रहे।